दीपावली के पूर्व सजने लगा है पटाखों का बाजार दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल मैदान में 22 दुकानें सजकर तैयार है दुर्ग के मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउंड में दीपावली को लेकर सजाने की तैयारी चल रही है इसी कड़ी में दुर्ग फटाखा व्यापारी संघ की इस वर्ष 22 दुकानें लगाई जा रही हैं जिसमें विभिन्न किस्म के फटाके होते हैं वही दुर्ग नगर निगम द्वारा बकायदा इनके व्यवस्था को लेकर पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं मगर वही अवैध पटाखा बिक्री को पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देश की अवहेलना प्रतिवर्ष की जाती है जिससे नाराज फटाका संघ भी न्याय की राह तक आ रहा है गौरतलब है की प्रतिवर्ष दुर्ग फटाका व्यापारी संघ द्वारा लोगों की सुविधाओं को देखते हुए स्कूल प्रांगण में अपनी दुकान सजाता है मगर शहर में अवैध रूप से बीच बाजार में बिक्री करने वालों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न होने से नाराज व्यापारी अब खामोशी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं वहीं अब देखना होगा कि इस वर्ष भी इन व्यापारियों की नाराजगी बढ़ती है या कम होती है ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट